दोस्तों 2019 का लोकसभा इलेक्शन बहुत ही ज्यादा करीब है। ऐसे में आपको पता होगा बहुत सारी पार्टियां यानी कि सभी पार्टियां अपने प्रचार प्रसार में लग गई हैं। तो इसी क्रम को बरकरार रखते हुए आज हम जो ओपिनियन पोल लाए हैं, ये ओपिनियन पोल पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ जनमन की रिपोर्ट के हिसाब से। जनमन की रिपोर्ट के हिसाब से ऑल इंडिया की 543 लोकसभा सीटों में कांग्रेस, बीजेपी, अदर यानी कि यूपीए या फिर एनडीए या फिर अदर्स को कितनी सीटें मिलेंगी, ये आज आपको महा ओपिनियन पोल में पता चल जाएगा। इसलिए इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग आंकड़े आने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले बीजेपी की कि बीजेपी को कितनी सीटें मिलेंगी, वहीं कांग्रेस को कितनी मिलेंगी, वहीं अदर्स को कितनी सीटें इस बार की 543 लोकसभा सीटों में से मिलने वाली हैं। उसके लिए सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हम कोई नया वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं जनमन की रिपोर्ट के हिसाब से यानी कि जनमन के ओपिनियन पोल के हिसाब से किस पार्टी को 2019 की 543 लोकसभा सीटों में कितनी सीटें मिलने वाली है। तो चलिए सबसे पहले करते हैं बीजेपी की यानी कि एनडीए की। एनडीए को कितनी सीटें मिलेंगी दोस्तों? तो एनडीए को इस बार मिल सकती हैं 174 सीट यानी कि 174, बड़ा नुकसान होता हुआ दिख रहा है दोस्तों एनडीए को। वही बात करें यूपीए को तो यूपीए को मिल सकता है दोस्तों 242, बड़ा आंकड़ा यानी कि काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है कांग्रेस को, यानी कि कांग्रेस के साथ जो अलायंस की हुई पार्टियां हैं उनको 242, वहीं बीजेपी को 174 यानी कि भारी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें अदर्स की तो अदर्स को इस बार 127 सीट मिल सकती हैं। ये जो मैं ओपिनियन पोल आपको बता रहा हूं दोस्तों 543 लोकसभा सीटों का है, जहां बीजेपी को 174, कांग्रेस को 242 और अदर्स को 127 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं जनमन की रिपोर्ट के हिसाब से। यानी कि बीजेपी को भारी नुकसान, वहीं कांग्रेस को अच्छा खासा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है और अदर्स को भी थोड़ा बहुत नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। ये आपको बड़ा ओपिनियन पोल यानी कि जनमन की रिपोर्ट के हिसाब से बड़े आंकड़े आपके सामने आ रहे हैं और ये आंकड़े आगे बदल सकते हैं दोस्तों जैसे जैसे चुनाव प्रचार होंगे, यानी कि जैसे जैसे चुनावी प्रचार बढ़ेगा वैसे वैसे आंकड़े बदलते जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये ओपिनियन पोल आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करें वीडियो को और इसको शेयर जरूर करें। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।